अखिल भारतीय गोंडवान गोंड महासभा राज्य के रहने वाले सभी 20 जिलों में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ सामाजिक संस्कार तथा कई क्षेत्र में प्रगति लाने के कार्य करते आ रहे हैं, जो प्रशंसनीय। मैं आपसे भी आज इस कार्यक्रम में अनुरोध करता हूं कि शिक्षा जो हमारे समाज में गरीबी है, उस गरीबी को अगर समाप्त करना तो शिक्षा सबसे बड़ा औजार। गौड़ समाज शिक्षित समाज बने, उड़ीसा हमारा शिक्षित प्रदेश बने, ये बहुत जरूरी है। तभी जाकर हम विकसित उड़ीसा बनेंगे, तभी जाकर हम विकसित भारत का निर्माण करें। इसलिए शिक्षा में भी बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को नारा भी दिया, मंत्र भी दिया कि बेटा को भी पढ़ाना और बेटी को भी पढ़ाना। साथ ही साथ उन्होंने एक और नारा दिया, बेटी बचाओ और क्या नारा दिया, बेटी पढ़ाओ। बेटा और बेटी में कोई फर्क, एक बेटी अगर हमारी पढ़ती है तो दो घर का संस्कार को बदल देती है। एक मायके की संस्कार को बदलती है, दूसरे शादी के बाद जो ससुराल जाती है तो उस परिवार को भी संस्कार बदल देती है। गांव साथ में ये चर्चा रहती है कि बेटी को पढ़ाकर क्या फायदा, बेटी तो शादी होकर दूसरा घर जाता है। लेकिन वही बेटी जब आपकी तबीयत खराब होती है, बुखार होती है, तो मां रात भर जगकर बेटी की स्वास्थ्य की कामना करती है। तो जब अपनी बेटी के लिए आप रात भर जगते हैं कि मेरी बेटी की बुखार जल्दी हो जाए, तो क्या अपनी बेटी को हम अच्छी शिक्षा ना दें? इसलिए बेटी भी पढ़े और बेटा भी पढ़े। आज आप स्कूल कॉलेज का रिजल्ट को देखें, सबसे ज्यादा मार्क्स कौन ला रहा, कौन ला रहा, बेटी। खेलकूद में भी देखिए, दुनिया में भारत का नाम कौन कर रहा, बेटी। तो आज बच्चों के बनिस्पत बेटी हमारा पढ़ाई लिखाई से खेलकूद में भी आगे, और ऐसे भी हमारी भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति का सबसे बड़ा स्थान, क्योंकि ये नारी शक्ति ही हमारी कुटुंब व्यवस्था को संभाल कर रखी। दुनिया में भारत ही का ऐसा देश है जो हमारे देश में कुटुंब व्यवस्था चलती है, और उस कुटुंब व्यवस्था के केंद्र बिंदु में नारी है। क्योंकि ये जो नारी शक्ति है, ये जो आप हमारी मातृ शक्ति है, हम मातृ शक्ति को सदियों से शक्ति के रूप में पूजा करते आ रहे हैं। चाहे कभी मां दुर्गा हो, चाहे कभी मां काली हो, कभी मां सरस्वती हो, मां लक्ष्मी हो, मां तारा तारणी हो, मां समलेश्वरी हो, यही शक्ति आपके अंदर भी वास, और यही कारण है कि शक्ति के बदौलत परिवार में एक लाख दुख तकलीफ रहे, परिवार को एकजुट रखना, बच्चों को स्कूल भेजना, खेत के काम में, कृषि के काम में भी महिला हाथ बटाना, ये ताकत, ये शक्ति सिर्फ महिला के अंदर। और ये महिला शक्ति भी आप देख रहे हैं आज बड़े पैमाने पर उपस्थिति, यही हमारी संस्कृति को दुनिया में जिंदा, और खास करके आदिवासी समाज में मैं देखता हूं खेती के काम सबसे ज्यादा आदिवासी महिला ही करती है। पशुपालन का काम भी कौन करती है, महिला। मछुआरा अगर जरूर मछली पकड़ के समुद्र से लाता, लेकिन मछली बेचने का काम कौन करती है, महिला। गाय बकरी कौन चलाती है, महिला। तो ये आदिवासी समाज में ये गुण है।
इतना ही नहीं, सदियों से पूर्व हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों ने भी, जब देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी ने भी उन गुलाम नहीं किया था, उसके पहले से ही ये भारत की गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए, अगर देश की आजादी के लिए पहला खून कोई बहा है तो हमारा आदिवासी जनजाति समाज। और खुशी की बात है कि इस आध्यात्मिक केंद्र में आपने हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज प्रेम साय का भी मूर्ति आरवण कर आने वाली को पीढ़ी को आपने प्रेरणा देने का काम किए। इसके लिए भी आयोजक कमेटी, यहाँ के लोग बधाई के पात्र। आपने यहाँ जो मंदिर जंगा पिठाना जी का मंदिर बनाए, जिसमें विधायक जी आप सभी जनता का सहयोग, तो आप सब बधाई के पात्र हैं। आने वाले समय में ये जगह एक सांस्कृतिक टूरिज्म, एक पर्यटक स्थल बनेगा। लोग जब भी इस जिले में आएंगे, इस स्थान पे आएंगे, और इस सांस्कृतिक टूरिज्म के कारण यहाँ आसपास लोग को रोजगार भी मिलेंगे, इस जिले की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो। आज देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए। इन 75 वर्ष में भी जो हमारे आदिवासी महानायकों को जो सम्मान मिलना चाहिए, देश में काफी वर्षों से सरकार थी, लेकिन आदिवासी समाज को अगर सम्मान देने का काम आजाद भारत में पहली बार हुआ, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। पहली बार स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, जो जनजाति संप्रदाय के आत्मसम्मान को बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी खूंटी से ही भगवान बिरसा मुंडा की धरती से 2023 में ही जो आदिवासी समाज के लिए जो आज भी बुनियादी सुविधा नहीं पहुंच पाई, देश की आकांक्षी पिछड़ा जिला में आप देखें तो आदिवासी जिला है। आजादी के इतने वर्ष बाद भी आदिवासी जिला पिछड़ा, इस पिछड़ा को विकसित राज्य बनाने के लिए, विकसित जिला बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसके तहत 24,000 करोड़ रुपए, एक दो रुपये नहीं, कि देश भर के जितने जनजाति क्षेत्र हैं वहां 24,000 करोड़ रुपए सड़क बिजली पानी पेयजल के लिए मोदी सरकार खर्च करने जा रही है। इसी तरह जनजाति संप्रदाय के छात्र छात्राओं को क्वालिटी एजुकेशन मिले, 740 एकलव्य विद्यालय पूरे देश में बन रहे हैं, ताकि हमारा आदिवासी समाज के बच्चे बच्चियां भी क्वालिटी एजुकेशन पढ़े, डॉक्टर आईएएस आईपीएस बने, ये सोच हमारी मोदी सरकार की। आज भारत बिना भेदभाव के सभी के विकास और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है। साथ ही जिन्होंने सदियों तक प्रताड़ित किया, वे पूरी गरिमा के साथ देश के विकास में भागीदारी बन सके, इसके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र मानने वाली मोदी सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि आज गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जा रहा है। आज हमारी गरीब बहन जो लकड़ी चूल्हा खाना बनाती थी, धुआं पीती थी, आज मोदी जी के सरकार के कारण आज उज्ज्वला गैस सिलेंडर सबको दिया जा रहा है। आज गरीब के बैंक खाते नहीं थे, इस देश में 40 करोड़ आजादी के बाद भी ऐसे गरीब थे जिनके बैंक खाते नहीं थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 46 करोड़ लोगों का जन धन खाता खुलवाने का काम किया।
और सरकार की जितनी स्कीम है आप देख रहे हैं डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस का सब्सिडी। अब बीच में भ्रष्टाचार और बिचौलियों का कोई गुंजाइश नहीं। इस तरह अनेक ऐसी योजनाएं अपने आदिवासी समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज और वंचित समाज को देकर समाज को मजबूत करने का काम राज्य सरकार कर रहा। मैंने राज्य के करीब 17 जिला अभी तक दौरा कर चुका हूं। उस दौरे में मैं छात्र छात्राओं के बीच जाता हूं और छात्र छात्राएं के बीच जाकर जो मैं उनसे पूछता हूं, तो छात्र छात्राओं की कोई बेटी बोलता है कि मैं आईएएस बनूंगा, कोई आईपीएस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, ये सुनकर काफी खुशी होती है कि हमारा युवा वर्ग आज सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अपने खेल कूद और भविष्य के बारे में भी जो प्रकट करता है वो निश्चित रूप से आश्चर्यजनक घटना भी है। मुझे यकीन है कि आगे बच्चे बढ़कर विकसित भारत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। आदिवासी समाज पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी अपनी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए फिट विद्यालय सप्ताह, खेलो इंडिया आदि बहुत सा कार्यक्रम आज सहायक सिद्ध होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिग्दर्शन पर प्रारंभ कुछ कार्यक्रम जैसे कि प्रधानमंत्री दीन बंधु विकास योजना, प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन, प्रधानमंत्री आदिश ग्राम योजना के द्वारा जनजाति भरे इलाकों के विकास में जनजाति संप्रदाय को सुदृढ़, सशक्त और आर्थिक स्वच्छता कराते हुए विकास के मुख्य स्रोत को लाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी संस्कृति, परंपरा और जीवन शैलियों को सम्मान दिया। मेरा आपसे एक ही अनुरोध होगा कि सारी योजनाएं का लाभ आप ले। मैं यहां पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कथन को स्मरण करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था जनजाति संप्रदाय की उन्नति में भारतवर्ष की उन्नति है, जनजाति संप्रदायों के विकास और कल्याण कराना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता। अगर देश में विकास को आगे बढ़ाना, भारत को विकसित भारत बनाना, तो बिना आदिवासी के विकास ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। बिना आदिवासी के विकसित हुए ये भारत विकसित नहीं हो सकता। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहे जनजाति संप्रदाय के उन्नति में ही भारतवर्ष की उन्नति है। तो ये योजना का लाभ अधिक से अधिक आप ले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से अपने आयोजक विधायक जी, अपने गुरुचरण नायक जी और आप सभी दानदाता भाई बहनों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक भव्य मंदिर के साथ साथ हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र शाह का मूर्ति अनावरण कराने का काम किया। आप सब बधाई के पात्र हैं। अंत में इस पवित्र उपासना पीठ जंगा पिठाना को मेरा नमन। वंदे उत्कल जननी, जय हिंद। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।